हाँ जी, ये बेसिकली ये वाले जो विदित पेज जो अमेजोन मीन्स के जो आपका आवाज़ आ रही है, बस देख लेते हैं जरा। अच्छा सही है। ये जो जो हम किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल पेज जब ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपके पास ऐड शो हो रहा होता है टॉप ऑफ द, ये कब सम टाइम यहाँ भी शो है वो, ये इधर ये वैसे जो है इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूँ कि स्पॉन्सर डिस्प्ले के ऐड जो है वो कहाँ शो होते हैं, टॉपिक बताता हूँ अभी आपको। अच्छा, तो सम टाइम जो है वो अमेजोन इधर भी आपको शो करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये वाला जो ऐड होता है ना, ये वाला, ठीक है, इधर वाला या इधर वाला जो आपको टॉप के ऊपर अमेजोन की प्रोडक्ट पेज के इनसाइड जो है जो आपको दिखाया जा रहा होता है, इसको जो है वो स्पॉन्सर डिस्प्ले बोलते हैं, सही है। और इसमें जो है वो हेडलाइन, हाँ जी, ये देखिए, ये जिस तरीके से ये आ रहा है, सही है, ये वाला पूरा, इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे कि ये हेडलाइन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, सही है। और ये एक्चुअली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो है वो सिंपल जो पीपीसी की कैंपेन होती है आपकी, ये वो होती है, ठीक है, समझ लग गई है। और फिर ये अगेन ऑर्गेनिक एंड सो ऑन, इस तरीके से। अच्छा, ये कल जो हमने जो है वो जो डिस्कस किया था, ये सब लोगों को आता है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, डायनामिक अप एंड डाउन में क्या होता है, जरा बताएंगे। जब हम बिडिंग की स्ट्रेटजी जो है वो, अच्छा पहले तो ये बताएं कि बिडिंग की स्ट्रेटजी कितने टाइप्स की होती हैं, ये अमेज़ॉन पे जब हम बिडिंग करते हैं, ठीक है, तो बिडिंग की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। कभी आंसर कर दे कि बिडिंग की जो स्ट्रेटेजीज हैं। सर मैं बताऊं, सर जी डंडा ले आऊं मैं? मैं सबको बताता हूँ कि बीडिंग की थ्री टाइप्स होती हैं। एक होती है डायनामिक डाउन ओनली, सेकंड होती है डायनामिक अप एंड डाउन ओनली, और थर्ड वन है फिक्स्ड बी। तो उसमें जो है ना, फर्स्ट जो डायनामिक डाउन ओनली होता है, तो फॉर एग्जांपल $1 हमने उसका बिड रखा और $1 से हमने उसको सिलेक्ट किया, तो इट्स मीन के अगर $1 से जितना भी नीचे वो चार्ज हो तो वो बिडिंग जो है ना वो विन कर जाएगा, मतलब कि उसमें आ जाए, हमसे वो चार्ज करके उसमें हमारा ऐड शो करवा दे, और $1 से ऊपर में नहीं करवाना शो। और सेकंड वन है अप एंड डाउन, उसका मतलब ये है कि $1 अगर बिड है तो उसका 100% जो है ना, अगर ऊपर जाती है या नीचे जहाँ पे होती है हमें विन करती है, तो उसमें जहाँ पे आता है तो उसमें हम विन करके, उसका चार्ज करके हम जो है ना वो बिडिंग विन कर लें और हमारा ऐड शो हो जाए। तो उसमें मतलब $1 है और 100% उसका करें तो $1 + $1 $2 तक हमारे हम जो है ना उसका पे कर सकते हैं। और फिक्स बिड का मतलब है कि एक हमने जो फिक्स अमाउंट कर दी $0.75 पे, हमने कहा कि जस्ट यही काटनी है, इससे ऊपर ना नीचे, तो जस्ट वो ही काटेगा। ये होती है थ्री टाइप्स बिटिंग की। हाँ जी, इन्होंने जो है वो सही बताया कि ये जो है वो तीन टाइप की होती हैं, तो बाकी वाले सारे जो है वो कोई मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है इस तरीके का कि
बस जो है वो गए और वापस आ गए फिर। चलें। अच्छा अब जो है वो खैर आगे है कि मीन्स के जो है वो ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है पीपीसी कैंपेन को, और उसके बाद जो है वो हमें क्या करने चाहिए पीपीसी और में कि होस्ट की एक्सेस आप में से किसी एक के पास आ गई है, ये इस मानव के पास आ गई है, वो मुझे वापस कर देंगे ताकि मैं जो है आपको स्क्रीन शेयर कर सकूं। वो डाउन ओनली अप एंड डाउन एंड फिक्स बिट्स सही है, तो फिक्स बिट्स जब आप जो है वो रखते हैं और फिर फिक्स बिट्स के ऊपर अमेज़न आपसे पूछता है कि हर क्लिक के ऊपर कितना पे करेंगे, तो आप लेट्स सपोज कर देते हैं कि $3 पे किया जाएगा या $4 आपको पे किया जाएगा सही है, तो उस केस में जो है वो आप समझ लें कि एक बड़ी एक अग्रेसिव तरीके से जिसको कहते हैं ना कि आपको हॉट पीपीसी जो है वो आप जो है वो उसको जो है वो लेके जा रहे होते हैं। ठीक है तो ये एक जो है वो मीन्स इसका एक पोर्शन कवर होता है पीपीसी का सही है, बाकी जो है वो जब आप इसको खुद प्रैक्टिकली करेंगे तो ये करेंगे तो फिर आपको जो है वो समझ लगनी है तो फॉर द मतलब एक मशीनरी को चलाने के लिए जो आपको इनिशियल जो इंफॉर्मेशन होती है वो ये ही हो सकती है, मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दी हुई है। ठीक है और फिर आता है आपके पास लाइटनिंग डील्स, तो लाइटनिंग डील्स भी एक क्या है आपके पास अमेजोन की जो है वो एडवर्टाइज विद इन अमेजोन आप जो है इसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, ये एक और तरीके का है अपनी एडवर्टाइजमेंट का सही है, जिसके अंदर जो है वो अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप एक किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है वो डील्स जो है वो बेसिकली जो है वो लगा सकते हैं अमेजोन के ऊपर सही है। और इसमें बेसिकली जो होता है कि लाइक अब जिस तरीके से हम अमेज़ॉन का अगर ये पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पर लाइटनिंग डील्स आ रही होंगी। ट्रेंडिंग स्टाइल इपिक फेरी डील डील टॉप ब्रांड ड्रेसेस अदर 50 अच्छा खैर जो है वो अभी ये हमें कोई लाइटनिंग डेल्स वाला जो है वो नहीं शो करवा रहा, बट जो है वो इधर ही आपके पास आ रहा होता है जब वो चल रही होती है लाइटनिंग डेल्स तो ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक जो है वो आप एक जो है वो टाइम पीरियड में आप देखा करते होते हैं ठीक है, और ये सारे ईपिक डेल्स हैं ये वाली। लेकिन अपकमिंग डेज के अंदर शायद हो लाइटनिंग डेज
लाइटिंग अच्छा जी, ये बेसिकली जो है वो लाइटनिंग डील्स के नाम से जो है वो एक पेज होता है अमेजोन के ऊपर, जिसके अंदर बेसिकली जो है वो आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है वो कुछ परसेंटेज पे जो है वो आप ऑफ करके लगाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, सही है। और इसका क्राइटेरिया बेसिकली ये होता है कि आपने जो है वो लास्ट 30 डेज के अंदर जो आपकी मिनिमम प्राइस होती है ना, ठीक है, उसका जो है वो आपने पहले तो ये था कि वो आप एटलीस्ट जो है उसका 20% ऑफ करते थे, बट अब इसमें जो है वो एक 50% ऑफ वाला भी आ रहा है। सो ये मे बी अब जो है उन्होंने क्राइटेरिया को चेंज कर दिया हो, बट ये था कि जब लास्ट टाइम हम लोगों ने ये लाइटनिंग डील्स लाई थी तो उसको किया था कि अमेजोन की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ था कि अगर आप लाइटनिंग डील्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपने जो है वो लास्ट मेरे ख्याल में 2 मंथ था या फिर लास्ट मंथ था, इन दोनों के दरम्यान में से जो है वो आपकी जो मिनिमम प्राइस थी आपने उस प्राइस को जो है वो उस प्राइस का जो है वो आपने उसके ऊपर जो है वो 20% जो है वो ऑफ करना था शायद, इतना था। मीन्स आप इतने परसेंटेज जो है वो ऑफ करते होते हैं, प्लस जो है वो साथ में ना आपका टाइम पीरियड भी आ रहा होता है कि इतने जो है वो टाइम पीरियड आप जो है ये जो कैटलॉग आपको सामने नजर आ रही है इसके अंदर जो है वो क्या किया जाएगा, इनरोल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखें जिस तरीके से ये क्या है, एंड इन 35 मिनट्स में एंड हो रही है, ये 25 मिनट में एंड हो रही है। अच्छा वो बता भी रहे हैं कि ये 86% क्लेम हो गई है, ये 82%, ये 13%, जबकि 1 आवर में ये सारी जो है वो अभी हो जाएगी। अब 57% क्लेम हो गई हुई है, 6% जो है वो क्लेम हो गई हुई है, सही है जी। तो इस तरीके से जो है वो ये बेसिकली आपकी जो है वो कुछ आप जो समझ लें कि एक लाइटनिंग जो है वो डील होती है, तो ये जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिक जो है वो अमाउंट के और स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है वो आप अमेज़ॉन को बताते हैं कि अच्छा मुझे जो है वो ये बेसिकली इतने परसेंट पे ऑफ करना है, तो वो फिर क्या करते हैं वो जो है वो आपको मीन्स कि उतना जो है वो ऑफ कर देते हैं। अब इस तरीके से ये देखें कि ये आपको बता रहा है कि मीन्स कि ये लाइटनिंग डील में लगा होगा 31% जो है वो इस वक्त ऑफ है, इसकी रेगुलर प्राइस जो है वो $32 है, बट जो है वो इस वक्त ये आपको 22.6165 की जो है वो मिलेगी, ठीक है। अब हम इसकी प्राइस हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या इन्होंने डेफिनेटली प्राइस हाई करके जो है वो लो की होगी, ठीक है। आप देखें जिस तरीके से ये है, ये देखें ये पहले भी जो है वो इतने में बेचते रहे हैं 22 जो है वो 65 में, बट इन्होंने अब फिर क्या किया, ये देखें जो है वो 28 में बेचते रहे, 32 के प्राइस कर दे इन्होंने, फिर 26 22 में बेचा इन्होंने, एंड देन जो है वो फिर 32 करके अब 34 की, फिर अब 32 करके उसके ऊपर क्या किया इन्होंने, ये 30% का जो ऑफ कर दिया, तो जो है वो इससे आप ये देख सकते हैं कि ये हो रहा है, सही है जी। तो ये बेसिकली जो है वो आपका होता है इस तरीके से कि ये एक आपकी जो है वो आप यूँ समझ लें कि सेल की आपकी एक टैक्टिक्स होती है, एक कस्टमर को जो है वो डाइवर्ट करने का एक जो है वो एक तरीके कार है जिसके अंदर जो है वो आप जिसमें मतलब ये एक जो है वो मेथड है कि आप जो है वो इससे ज़्यादा अभी देखेंगे जो है वो जब आगे लोग इसके ऊपर लाइटनिंग डील्स पे क्लिक करते हैं तो अच्छा वो देखते हैं कि यार अच्छा ये 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी और जो है वो जिन्होंने कुछ ऑफ नहीं किया हुआ, तो ये देखें आप जिन्होंने ऑफ किया हुआ है तो ये चाहे प्राइस हाई करके फिर लो करके किए तो वो देखें जरा उनकी क्लेम कैसी हुई, उनका 87% क्लेम रेट है, 80 मीन्स 80+ जो है वो है, बट देखें इसका भी 57% एक अच्छा जो है वो आप सुनने के लिए क्लेम किया होगा, ठीक है, ज़्यादा क्लेम हो गई है वाली, बट जिन लोगों ने जो है वो ऑफ नहीं किया, ठीक है, उसका देखिए आप वो क्लेम ही नहीं की किसी ने ना ये वाली, ठीक है। तो ये एक तरीकेकार होता है कि आप जो है वो क्या करते हैं प्राइस थोड़ी सी हाई करके फिर देन जो है वो उसको जो है वो लो कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मीन्स के जो है वो फिर आपको हो जाता है कि अच्छा जी चले, सही है। अब जिस तरीके से ये देखें कि जो है वो इस वक्त ये कह रहा है कि अब इसके जो है वो बाहर वाले पेज पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पर कि ये कितने परसेंट इन्होंने ऑफ भी जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक
इस वजह से आप देखें आपके सामने है इसका जो क्लेम रेट है ना, ठीक है। एंड सेम इसी तरीके से तो ये देखें जिन्होंने जो है वो बाहरी प्राइस कट लगाया हुआ है, जिन्होंने दिया हुआ वो देखें किस तरीके से जो है उनका क्लेम हो रहा है, ठीक है। और जिन्होंने प्राइस कट नहीं दिया बाहर उनकी जो है वो क्लेम ही नहीं हो रही। लाइटनिंग डील्स जो है वो ये सही है। तो और लाइटनिंग डील्स जो है वो ये बेसिकली आपको कभी कभार जो है वो अमेजोन की तरफ से भी इनविटेशन आता होता है, वो बेस्ड ऑन योर सेल्स हिस्ट्री एंड बाकी सारी चीज़ें प्रमोशन वगैरह। तो ये वो देखते हैं कि अच्छा आप जो है वो अच्छी एक ब्रांड है यहाँ, तो फिर वो आपको जो है वो इन्वाइट करते हैं कि अच्छा आपकी प्रोडक्ट जो है वो हम लाइटनिंग डील्स के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसकी ये जो है वो रिक्वायरमेंट है कि आप इंटरेस्टेड हैं इसमें। देन आप अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर आप करते हैं यस, तो फिर इस तरीके से सही है। तो अभी देखिए जिस तरीके से ये है इस वक्त ये सारी ये खत्म हो गई हुई है, ठीक है। और ये देखें आप खुद देखेंगे कि चलें ये एक जो है वो है जिसका प्राइस कट नहीं है बट वो अच्छी क्लेम हो गई है ड्यू टू अभी प्रोडक्ट बड़ी डिमांड होगी इस वजह से। बट ये देखेंगे जितने भी ज्यादा जो है वो क्लेम हुई है उनके ऊपर प्राइस कट आ रहा है, जिसके ऊपर प्राइस कट नहीं है वो क्लेम ही नहीं होती, ठीक है। तो एक ये इसका तरीकेकार होता है कि आप जो है उसको प्राइस कट जरूर देंगे, सही है। और प्राइस कार्ड कैसे देते होते हैं इसका भी एक जो है वो अब तरीकेकार होता है, जो कि इधर जो है वो उसके लिए एक अमेजोन का अकाउंट चाहिए होगा, ठीक है, कि जिसके ऊपर जो है वो मेरे को बता सके। बेसिकली प्राइस को पहले आप जो है वो थोड़ा सा हाई करते हैं, फिर दो तीन सेल्स लेके आते हैं, देन आप फिर जो है वो उसको लो करते हैं। तो फिर जो है वो दो तीन सेल्स जब आती है तो उसके बाद जो है वो आपके पास इस तरीके से जो है वो क्या होता है ये प्राइस कट जो है वो ये शुरू होना शुरू हो जाता है कि मैं इसके पहले इतने की थी और ये इतने परसेंट की है और ये इतने परसेंट आपने क्या कर लिया या सेव कर लिया कि इतने डॉलर जो है वो ऑफ कर लिया, ठीक है। ये बेसिकली होता है आपका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है लाइटनिंग डील का, सही है। और ये एक उसका तरीकेकार होता है कि अब इस तरीके इस पेज के ऊपर से जाके आप लाइटनिंग डील्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हैं। बाकी जो है वो आता है कि डिजिटल कूपन्स क्या होते हैं। अमेजोन जो है वो बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप डिजिटल कूपन्स के साथ जो है वो विद इन अमेजोन और आउटसाइड द अमेजोन जो है वो आप क्या कर सकते हैं, जो है वो आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है वो ये जो क्या बोलते हैं इनको इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, सही है, इन्फ्लुएंसर वो अब जो ये कंपनीज जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो है वो बातचीत कर रही होती है, वो उनको कहती हैं कि जी आप हमारे ब्रांड की प्रमोशन कर दें या आपकी तरफ से जो भी कस्टमर आएंगे उनको 20% ऑफ होगा या 30% ऑफ देंगे हम या 40% ऑफ देंगे, सही है। तो फिर आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत जगह बहुत सारी दफ़ा तो मीन्स के जो है वो जो इन्फ्लुएंसर का नेम होता है वो उसी नेम के साथ जो है वो 20 ऑफ 30 ऑफ इस तरीके से, लाइक जिस तरीके से फॉर एग्जांपल किसी भी इन्फ्लुएंसर का नाम है ABC, आपने देखा होगा कि वो इन्फ्लुएंसर जब मार्केटिंग जब मतलब अपनी ऑडियंस के अंदर जो है वो प्रमोशनल मैसेज भेज रहा होता है तो वो कहते हैं कि ये देखिए ये प्रोडक्ट है ये बड़ी ज़बरदस्त है और सही है, आप इसको अमेजोन से अवेल कर सकते हैं और 20% ऑफ के साथ, सही है, आपने 20 ऑफ का कूपन लगाना है या मतलब उसका नाम ABC है तो ABC 20 ऑफ करेंगे आपको 20% ऑफ का कूपन मिलेगा या सो ऑन इस तरीके से, सही है। तो ये एक तरीके का होता है फिर अमेजोन के ऊपर जो है वो अपनी आप सेल्स को इंक्रीज करने का, सही है। इसका जो है वो मेथड क्या होता है लाइक इस तरीके से ठीक है। अब इस तरीके से ये हम करते हैं शायद यहाँ पर जो है वो किसी ने कूपन लगाए होंगे, ये जिस तरीके से ये देखें अब ये देखें यहाँ पर ये जो है आ रहा है सेव 5% विद कूपन, ठीक है। तो अब जो है वो ये एक जो है वो एक डिजिटल कूपन आप इसको बोला करते होते हैं, सही है। अगर हम इसको जो है वो ओपन क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं इसकी लिस्टिंग को, तो अब ये देखें जो है वो कह रहा है कि सेव एंड एक्स्ट्रा 5% वैल्यू अप्लाई दिस कूपन। तो ये कूपन जो है वो अप्लाई किस वक्त होगा, जस्ट सिर्फ मैं इधर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो है वो अब मैंने इसको जो है वो क्लिक कर दिया होगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो है वो 5% जो है वो इस वक्त लग गया होगा, सही है। तो जब मैं जो है वो इसको जो है वो चेकआउट करूंगा, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो मीन्स जो है वो जो भी मतलब
इसका जो है वो 5%, इसकी सेलिंग प्राइस का जो है वो जो भी 5% बनेगा तो ये वो मुझे जो है वो अप्लाई हो जाएगा मेरे ऑर्डर के ऊपर, और मुझे प्रोडक्ट जो है वो उतने की पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखें जो है वो इस वक्त दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, एक तो ये प्राइस कट नज़र आ रहा है, ठीक है, 2695 था, 2495 अब नज़र आ रही है, सही है। तो ये बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है वो इस प्राइस पे बिक रही थी, इन्होंने जो है वो इस प्राइस के ऊपर आपकी अब जो है वो इसकी प्राइस अपडेट कर रखी हुई है, ठीक है। तो इस प्राइस का इस कूपन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ये जो कूपन यहाँ पर आपने लगा रखा हुआ है ये बेसिकली जो है वो अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, सही है, जो भी इनकी सेल प्राइस होगी उसके ऊपर, ठीक है। अब इस तरीके से जो है वो 2495 है, इसका जो 5% है वो आई थिंक बनेगा 100 का, 10 का 5%, ठीक है। अच्छा ये 1.24 डॉलर जो है वो बेसिकली इसका 5% जो बन रहा है, सही है। तो वो जो है वो जब भी ये चेकआउट होगा तो ये जो है वो आपको क्या होगा तो जो है वो काम हो जाएगा आपकी इस 2495 में से भी 1.95 डॉलर जो भी बना हुआ, सही है, 4.4 लो बना जो भी है वो जो है वो आप इसका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये एक जो है वो आपका डिजिटल कूपन होता है, ठीक है। अच्छा अब आप देखें, सही है, ये बायर्स को अट्रैक्ट करने का एक बेसिकली एक बड़ा एक अच्छा तरीकेकार होता होता है जो कि अमेजोन फॉलो आउट करता है, सही है। फिर उसके बाद जो है वो आप कूपन आउटसाइड द अमेजोन भी आप अपने कूपन प्रमोट कर सकते होते हैं, ठीक है। लाइक जिस तरीके से यहाँ पर है एक अजोन जाम है, सही है, अजोन ठीक सही है। जो डील है लाइटनिंग डील, ये सर हम खुद लगाएंगे या फिर अमेजोन हमें कहेगा कि अपनी प्रोडक्ट पर आप डील लगा लें? ये आपको जो है वो अमेजोन की तरफ से इनविटेशन आता है। तो सर फिर इस तरह तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, पहले हम पर क्लिक पर अमेजोन को पे करें फिर डील लगाकर अपनी प्रोडक्ट को और मतलब के कम रेट में दें, तो इसमें बेनिफिट तो कोई नहीं होगा। वो आपकी मर्जी की बात होती है, जब आपकी अमेजोन की इनविटेशन आता है तो आपकी समझ में आता है तो आप जो है वो ऑफ करें लगाएं, अगर नहीं समझ में आता तो आप जो है वो इसमें कोई सख्ती वाली बात नहीं होती होती, वो आपकी मर्जी की बात होती है। अरे ये हम खुद से नहीं लगा सकते जब तक अमेज़न हमें इनवाइट ना करे। अच्छा नहीं, लाइटनिंग डील्स के लिए बेसिकली इनविटेशन जो है वो आपको चाहिए होता है, लाइटनिंग डील के आपको इनविटेशन ही आता है तभी जो है वो आप सही तो है। सर जब ये लाइटनिंग डील पर इनविटेशन आता है तो हमें उसी अपनी डील के ऊपर मतलब कि जो प्रोडक्ट के ऊपर उसी के ऊपर डील लगानी पड़ती है, या हम कोई नई प्रोडक्ट ले आए उसके ऊपर डील लगाकर फिर ऐसे अपडेट करते हैं? नहीं वो एएसएम के ऊपर आता है, आपकी एएसएम स्टैंड फॉर के एक प्रोडक्ट जो होती है, प्रोडक्ट का जो पेज होता है, मींस के एक जो एएसएम का मतलब ये है कि जो एक प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर जो है वो आपको अमेजोन मैसेज करता है कि जो है वो हमें आपका ये जो एएसएम है ये वाला बेसिकली जो है वो हमारे क्राइटेरिया को इसको मीट करता है, हम जो है आपको इसके लिए लाइटनिंग डील जो है वो इसके लिए आपको ऑफर कर रहे हैं, अगर आप हैं इसमें इंटरेस्टेड तो हमें बताएं, सही है। देन उसका फिर प्रोसेस एंड फीस भी होती है इसकी लाइटनिंग डील्स की, तो वो फिर अगर आप उतनी फीस पे करते हैं तो फिर जो है फिर अमेजोन आपको वो कर देता है, ठीक है। अब जिस तरीके से ये देखें यहाँ पर, सही है, इसने बेसिकली क्या हुआ हुआ, अब जो है वो ये एक बैम्बू चारकोल बैग है जो अभी जो है वो लॉन्च हुआ है शायद, ठीक
ठीक है, यस ये अभी भी लॉन्च हुआ है ये। तो अब इसने जो है वो जंप सेंट के ऊपर जाके क्या किया हुआ है, 40% ऑफ का जो है वो कूपन लगाया हुआ है। ठीक है, अब इसने ये जंप सेंट है सही, इसने आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं सही है, ये तो आप इधर चले जाओ या फिर आप क्या करें रिक्वेस्ट आइटम कर ले। अब मैं रिक्वेस्ट आइटम करूंगा ठीक है, तो ये मुझे कहेगा कि जंप सेंट के ऊपर जो है वो आप अपना अकाउंट बनाए। ठीक है, और मैं फिर क्या करूंगा, एक्चुअली मैं इनको पे मैं जंप सेंट को कर रहा हूँ बट जब मैं उस सेलर से प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो ये इन्होंने फिर क्या किया होता है, इन्होंने ये डिफरेंट कंपनीज है, प्रमोशनल कंपनीज है, जिस तरीके से ये जोन जंप है, जंप सेंड है सही है, उसके अलावा एक जो है वो रिबेट जो है वो की है। ठीक है, तो ये वाली जो है वो ये मीन्स को आपको जो है वो हेल्प आउट करती हैं आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो आपके आपके ब्रांड को आपके सेल्स को जो है वो इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये होता होता है इसमें। अब देखिए यहाँ पर जो है वो जिस तरीके से ये एक इन्होंने जो है वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रही है कि लाइक जिस तरीके से ये 50% ऑफ है, ये 43%, 87% ऑफ चाहिए, ये कैंपिंग पिलो जो है वो, तो मीन्स कहने का क्या है कि फिर आप जो है वो यहाँ पर अपने जाके जो प्रमोशनल कोड जो आपने निकाले होते हैं सही है, वो आप इन वेबसाइट्स को दे देते हैं सही है, इन वेबसाइट्स की जो है वो फिर अपनी एक ट्रैफिक होती है। ठीक है, अपना इनके एक अपने जो है वो फनल्स होते हैं, बने होते हैं, और फिर जो है वो एडवर्टाइजिंग इनके अपने प्लेटफॉर्म होते हैं, अपने इनके ऑडियंसेस जो है वो बिल्डिंग होती है, तो वहाँ पर जो है वो जाके ये आपकी प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं, जितने परसेंट ऑफ के आप कूपन देते हो उतने परसेंट ऑफ के साथ सही है। तो मीन्स के जो है वो ये एक तरीके का होता है कि जिससे मतलब डिजिटल कूपन्स और लाइटनिंग डील से जो है वो अपनी अमेजोन की जो सेल है वो थोड़ा सा उसको जो है क्या कर सकते हैं आप इंक्रीज कर सकते हैं सही है। तो ये है अब जिस तरीके से ये है, अब रिबेट की जो है वो बेसिकली वॉलमार्ट अमेजोन ईबे से और जो है वो शॉपिफाई वगैरह इनके लिए जो है वो ये इस प्लेटफॉर्म की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनके पास पड़ी हुई है, तो ये इसको जो है वो बता रहे हैं केस में जो है वो सही है। कूपन्स की बेसिकली कोई लिमिट नहीं होती सही है, और दूसरी बात यह है कि ये अब डिपेंड करता है इसके ऊपर सही है, वो जो हमने मैक्स जो है वो क्वांटिटी हमने देखी थी सही है, कहाँ पर है वो प्रोडक्ट ये वाले सही है। अब जिस तरीके से जो है वो इसमें फिर क्या होता है कि यहाँ पर इसमें शायद ये देखिए मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो लिखी हुई होगी, एक मिनट इसके इन्वेंट्री लेवल देखिए इधर से पता चल जाता है अगर इसने कुछ लगाया होगा तो स्टॉक। अब देखिए इस वक्त जो है वो एज पर हीलियम के डाटा के मुताबिक इसके इसमें जो है वो 999 जो है वो बेसिकली मीन्स 999 का मतलब ये होता है कि 1000+ जो है वो इस वक्त है इसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसके वेयर हाउस में इसने मतलब अमेजोन को भेज रखी हुई है। ठीक है, तो ये है अभी, अदरवाइज फिर क्या होता है इसने कोई लिमिट लगाई होती ना कि मींस के जो बायर हैं वो मुझसे जो है वो मींस पांच, एक बायर जो है वो मुझसे पांच उससे जो है ज्यादा खरीद नहीं खरीद सकता, तो उस वक्त फिर जो है वो आपके आपके फिर उस वक्त कूपन के ऊपर जो है वो लिमिट आ रही होती कि मींस के ये अच्छा ये लिमिट मतलब आपके जो पांच ऑर्डर है उसके ऊपर जो है वो कूपन लगेगा, उससे ज्यादा कूपन नहीं लगेगा। फिर जब आप डिजिटल कूपन क्रिएट करने जा रहे होते हैं सही, तो उधर भी आपसे अमेजोन पूछता है कि क्या आप जो एक बायर है आप उसको रिपीटेड जो है वो कूपन देना सकते हैं, या फिर जो है वो ये कूपन जो है वो यूनिकली जो है वो डिलीवर किया जाए, मतलब हर एक बायर को एक ही दफा कूपन दिया जाए उसके बाद उसको नहीं दिया जाए, तो
तो फिर इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप वो यूनिकली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वरना फिर अदरवाइज क्या होता है कि फिर ये जो हाईजैकर जो बैठे होते हैं, हाईजैकर का आई थिंक आपको आइडिया होगा, ये हमने काफ़ी डिस्कस कर रखा है डिटेल्स के अंदर, सही है। तो वो हाईजैकर फिर आपके क्या करते हैं, वो आपसे जो है वो लाइक सपोज आपने जो है वो 20-30% ऑफ का कूपन लगाया हुआ है, इस वक्त तो खैर 5% ऑफ का कूपन लगा हुआ है ये, तो वो फिर क्या करते हैं आपसे जो है वो सारा स्टॉक ऑर्डर करके दोबारा आपकी लिस्ट के ऊपर आके जो है वो बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं वही आपसे जो है वो सस्ती चीज़ खरीदी हुई फिर आपकी आपकी लिस्ट के ऊपर आके महंगी चीज़ जो है वही बेच रहे होते हैं, तो इससे जो है वो फिर क्या होता है एक हर्ट होती है आपकी लिस्ट जो है वो, तो ये इसमें अब भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली जो है वो अमेजोन को चेज करते रहे सही है, तो फिर उस केस में होता है कि चले वो आपकी बात जो है वो सुन के तो उसको जो है वो आपके लिए वो मीन्स कि आपको करवा देते हैं कि चले सही है, बट अगर अब जो है वो नहीं है ठीक है, तो उसमें जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे मैं जो है वो आपको ना इसका एक जो ईमेल टेम्पलेट है ना वो मैं आपको दे देता हूँ, ये ईमेल टेम्पलेट ना जो है वो किसी से जो है वो हमने लिखवाया था फाइबर के ऊपर, $300 दिए थे, अच्छा ये बेसिकली जो है वो इसका एक टेम्पलेट होता होता है सही है, जिसमें ये स्पेशली जो है वो आपने सुनने के मीन्स के जब आपकी ऑथेंटिसिटी का जो प्रॉब्लम आ रहा हो ना ठीक है, तो उस वक्त जो है वो ये देते हो सही है, इसके अंदर जो है वो कुछ आप मिटमिट करेंगे, ब्लू वी हैव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द योर कंप्लेंट दैट आवर दिस बैक्स वेब की जगह पर आप इसको जो है वो चेंज कर देंगे आवर प्रोडक्ट नेम ठीक है, जेनेरिक नॉट प्राइवेट और डिफरेंट वर्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन द प्राइवेट लेबल एंड ये थोड़ी सी उससे मिलती जुलती है सही है, इसको जो है वो आप एडिट कर लेंगे ठीक है, इसमें जो है वो एडिट करने का तरीकेकार होता है, फिर यहाँ पर जो है वो रिमूवल ऑर्डर इस नंबर जो है वो जो आपका इस नंबर होगा वहाँ ये आप वहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे ठीक है, यहाँ से ये कीवर्ड भी रिमूव कर देना जी टॉप कंटेनर वाला जी सर, और या वी शुड हैव डिसेबल्ड रिफर्बिश्ड एंड यू हैव अनसेलेबल कस्टमर रिटर्न्स एंड देन यू हैव उसके बाद ए टू जी क्लेम जो आपने बता दिया, देन अगेन जो है वो इस नंबर आप उसको पुट करेंगे यहाँ पर जी सर, रिव्यू द न्यू एमसीएक्स पेज भी आपने और फिर जो है वो यहाँ पर नीचे जो है वो इसकी आती है कुछ मीन्स के अमेजोन की गाइडलाइंस होती है, मतलब जिसमें उनको आप बता रहे होते हैं चलिए हमने ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ पढ़ ली है, आप जो है वो इस तरीके का जो है वो मीन्स के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे ठीक है, तो ये होता है ये मैं आपको जो है वो भेजता हूँ यहाँ पर तो सब लोग जो है इसको देख ले, सर ये जब अकाउंट सस्पेंड होता है तब हम देते हैं अमेज़न को जी जी, ये जो है वो वैसे टेम्पलेट में आपको दोनों दोनों दे रहा हूँ ठीक है, ये आपने उठा के ना ऐसे नहीं फेंक देने, तो ये इसके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन भी बेसिकली करनी पड़ती होती है ठीक है, ऑथेंटिसिटी ये दोनों आ गए हैं आप लोगों के पास आइए, से जो है वो ये आप दोनों रख लीजिएगा, हर बंदा डाउनलोड करके ये काम हो जाते हैं आगे आपके लिए।